हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत सीवन स्थित राजकीय बॉयज वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला सरपंच एसोसिएशन और ग्राम पंचायत सीवन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित शून्य लागत प्राकृतिक खेती महोत्सव पर बतौर मुख्य अतिथि किसानों से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाएं। ऐसा करने से खेती पर होने वाला खर्च समाप्त होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। साथ ही महामहिम राज्यपाल ने कहा कि गत 30 वर्षों के दौरान रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हुई है और भूमि बंजर होने के कगार पर है। किसानों में प्राकृतिक खेती का प्रचार करें, जैसा अभी मैंने सीवन में हजारों लोगों के बीच में का आह्वान किया है कि प्राकृतिक खेती से 6 लाभ सीधे सीधे होते हैं। इससे एक तो जमीन की उर्वरा शक्ति बराबर आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी, दूसरा पर्यावरण इससे शुद्ध रहेगा, तीसरा जल की खपत 60-70-80% कम हो जाएगी, चौथा गौ माता का पालन इससे होगा क्योंकि गौ आधारित है, और पांचवा जितने अस्पताल बीमारों से भरे पड़े इससे मुक्ति मिलेगी, और छठा किसान की आय इससे डबल होगी। तो भारत के कल्याण का ये बहुत बड़ा एक अभियान है। मैं आह्वान करूंगा भारत के समस्त किसानों से कि सुभाष पालेकर जी की पद्धति प्राकृतिक खेती की ओर हम तेजी से बढ़ें ताकि भारत समृद्ध राष्ट्र बन सके।